हर हर महादेव, जय श्री केदारनाथ। आज है 10 तारीख और रात के 3 बज रहे हैं। मैं खड़ा हूँ जस्ट केदारनाथ मंदिर के बिल्कुल सामने, मतलब मेरे पीछे है मंदिर। और बाबा को भाई देखते ना सारी थकान मिट गई भाई। आज सुबह 6 बजते ही बाबा के पट खुल जाएंगे और बाबा की जो आरती होगी वो पहली आरती होगी, तो भाई मुझे वो देखनी है, आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ। और भाई रात हो रही है, अभी 3 बज गए, सुबह होने वाली है, 1 घंटे में 4 बज जाएंगे। और भाई मंदिर इतना खूबसूरत सजा रखा है ना, आपको पहले मैं वो दिखा देता हूँ, फिर बाद में मौका मिले ना मिले। 10 तारीख को बाबा के पट खुलने थे, तो मुझे ये था कि बाबा के जब पट खुलेंगे तब की आरती देखनी है, तो भाई वो ड्रीम पूरा हो गया। चलो आपको मंदिर दिखाता हूँ, कितना खूबसूरत सजा रखा है। आ जाओ भाई, बाबा का मंदिर इतना खूबसूरत सजा रखा है, इतना खूबसूरत कि बस एकदम से ना आँख में नमी आ गई भाई, बाबा का मंदिर दूर से देखते ही। ये है द्वार और बीच में लगी हुई बेल, अभी इसमें वाइट कपड़ा बांध रखा है, जब बाबा के पट खुल जाएंगे तो वाइट कपड़ा हटा देंगे। भाई इतना खूबसूरत लग रहा है कि भाई फ़ोन में आप देख रहे हो ना खुश हो गए होगे, पर भाई उससे भी ज़्यादा आँखों से देखने में सुंदर लगता है। तो आप आओ भाई, हर साल आओ बाबा के पट खुलने पे भाई, देखो। और बाबा का मंदिर दिखाता हूँ। ओए होए होए, ओम नमः शिवाय, जय बाबा की, जय श्री केदारनाथ। हमारे नंदी जी को देखो, इतना खूबसूरत सजा रखा है, बहुत खूबसूरत देख रहे हो। और खुशबू आ रही है बहुत अच्छी, गजरे हैं शायद ये, कि क्या बोलते हैं इन फूल को हमको मालूम नहीं है, मेरे ख्याल से गजरे हैं, पर शायद गजरे नहीं है, पर मुझे पता नहीं इनका नाम क्या, पर खुशबू अच्छी आ रही है बहुत। बस अब भाई आरती का वेट है, पट खोलने का वेट है। बाबा की डोली अंदर विश्राम कर रही है, अभी सुबह पट खुलते ही सबको दर्शन देने वाले हैं बाबा। 6 महीने बाद बाबा से मिलेंगे सब। और भाई लाइन अभी से लग चुकी है, दर्शन की लाइन यहाँ स्टार्ट है ना, तो यहाँ से लग चुकी है पूरी पीछे पीछे तक भाई, पूरे पीछे तक लाइन लग चुकी है, हालत ख़राब है भाई। तो हमारा भी यही प्लान है कि लाइन अभी से लगा लेंगे तो दर्शन ऑन टाइम हो पाएंगे भाई। जय श्री केदारनाथ मंदिर भाई, बाबा का मंदिर इतना प्यारा लग रहा है कि कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, मैं कुछ बता नहीं सकता आपको इस बारे में, बस आप देख लो भाई। ये तो भाई सामने से ऐसा डेकोरेट कर रखा है इतना प्यारा, और साइड में से देखो, ओह मेरा बाबा का मंदिर, जन्नत आपको देखनी है ना तो असली में देख पाओ ना देख पाओ, केदारनाथ आ जाओ, जन्नत देख लोगे, स्वर्ग देख लोगे, कसम से भाई। पूरी तैयारी है, पूरा मंदिर फूलों से सजा रखा है भाई। जब शायद आरती होगी तो ढोल ताशे बजेंगे, बहुत जश्न मनाया जाएगा। 4 बजने में 1 घंटा है, उसके बाद धीरे 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 रोशनी होने लग जाएगी। मेरे ख्याल से इतना मैंने सुना लोगों से, सब जो कह रहे हैं कि 6 बजे पट खुल जाएंगे, 7 बजे आरती हो जाएगी, पर भाई लाइन बहुत लंबी अभी से लग चुकी है, और जब पट खुल जाएंगे तब तो लाइन बहुत ही लंबी होगी, देख लेना, देखते हैं जैसा भी रहता है, पर भाई दर्शन तो करने हैं, चाहे जितने घंटे वेट करना पड़े। भाई सुबह के 4 बज गए और लाइन में लग चुके हैं हम भी। बोले तो भाई सुबह के 5 बजने वाले हैं और उजाला हो चुका है पूरा भाई, सामने से बादल देख रहे हो, बादल भी आ रहे हैं उस तरफ से, और उजाला हो चुका है, अब बस सनराइज होने वाला है, थोड़ी देर में हो जाएगा। लाइन थोड़ी सी आगे चल चुकी है पर अभी पट नहीं खुले हैं, पट खुलने में टाइम है, अनाउंसमेंट हो रही है कि पट खुलने में टाइम है, आराम से बैठ जाओ। बाबा के पट खुल गए भाई।
बाबा के पट खुल चुके हैं और आपने देख लिया भाई कि लोग एंजॉय कैसे कर रहे हैं भाई, कितना आनंद आ रहा है भाई, और लोग बहुत जश्न मना रहे हैं जोरों शोरों से भाई, मजा आ रहा है। आप लोग भी देखो, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ भाई। हर हर महादेव। अभी मैं हूँ भैरव बाबा जी के मंदिर के बिल्कुल जस्ट सामने बैठा हूँ। पीछे मेरे भैरव बाबा जी का मंदिर है और उस तरफ हमारे केदारनाथ बाबा का मंदिर है। तो जब भी आप केदारनाथ आओ तो भैरव बाबा जी के मंदिर जरूर आना, थोड़ा सा ऊपर पड़ेगा, 1 किलोमीटर ही चलाइए, थोड़ी सीख है। जब भी आप केदारनाथ धाम आओ तो भैरव बाबा जी के मंदिर आना, क्योंकि मान्यता ये है कि अगर आप भैरव बाबा जी के मंदिर नहीं आते हो तो हमारी जो यात्रा है अधूरी रह जाती है। भाई आज 10 तारीख बाबा के पट खुल चुके हैं, बहुत खुशी है मनाए लोगों ने, हम भी नाचे भाई। तो अब बाबा के पट खुल चुके हैं आज, तो बाकी 6 महीना आप लोग आओ, बाबा के दर्शन करो, खुले दर्शन है। पर हाँ, स्टार्टिंग के 15 डेज VIP दर्शन नहीं है, जैसे हम पहले पे करके VIP दर्शन पहले हो रहे थे हमारे, वाला सीन नहीं है स्टार्टिंग के 15 डेज तक। और हर हर महादेव। इस ब्लॉग के लिए बस इतना ही भाई, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना भाई तो वीडियो लाइक कर देना यार, तुम्हारा भाई बहुत मेहनत कर रहा है। और अगर चैनल पर नए हो चैनल में सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, और आगे की सीरीज जारी रहेगी। हर हर महादेव। जय केदारनाथ बाबा जी।